ठीक है, लगा दिया। जैसे ही पावर ऑन करेंगे आप यहाँ पे, दो एक पहले से था, दो अभी आए, ठीक है। तो ये तो यूएसबी था, अरे उनको बताने दो यार, सब में है, दिखाता हूँ, ठीक है। ये लाइट जो जलती है ये बताती है कि इस डिवाइस में पावर आ गया, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, एक ऊपर की जो दिख रहा है आपको ये प्रोजेक्टर है, और इसके नीचे सीपीयू लगा हुआ, ठीक है। इसके पीछे में आपको एक स्पीकर दिया हुआ है, और इधर साइड में आपको यूएसबी पोर्ट दिया गया, ठीक है। ये यूएसबी पोर्ट दिया गया, तो ये दो और दो यहाँ पे, ये चार यूएसबी पोर्ट हैं, ठीक है। उसके बाद वीजी है, उसके बाद आपका लैन है, एचडीएमआई है, अलग अलग पोर्ट दिए हैं, ठीक है जी। ये तो लगा रहेगा ना इसमें, हाँ, जैसे जब जरूरत नहीं है तब आप इसको निकाल लीजिएगा, पेनड्राइव नहीं है ये, मॉडेम होगा ये, आपको कीबोर्ड माउस दिया गया है वायरलेस, अच्छा ठीक है, ये वायरलेस। तो कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करने के लिए सेंसर उसका दिया हुआ है, हाँ, अगर ये इसमें कनेक्ट नहीं रहेगा ना तो काम नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से डिजिटल पेन दिया हुआ है जो चार्ज और डिस्चार्ज होता है, ठीक है। इसको चार्जिंग करने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे लगा देना है, और इसमें यहाँ यूएसबी में किसी एक में आपको लगा देना है, 5 मिनट में ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जब चार्ज हो जाएगा तो आप यहाँ पे ऐसे प्रेस करेंगे तो रेड जलेगा, ओके, ठीक है। दैट मीन्स ये चार्ज है, अगर प्रेस करने के बाद रेड नहीं जल रहा, व्हाइट है, तो इसका मतलब चार्ज नहीं है, आपको फिर से चार्जिंग में लगा देना है, ठीक है। अब इसको चालू करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से ये सीपीयू का एक बार पावर बटन ऑन करना है, ठीक है। एक बार प्रोजेक्टर का पावर बटन ऑन करना है, दोनों को ऑन करके जैसे ही पावर ऑन होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन विजुलाइज होने लगेगी, पावर लगा के ये सीपीयू का बटन एक बार प्रेस कर देना है, और एक बार प्रोजेक्टर का बटन, ठीक है। एक बार सीपीयू का बटन, एक बार प्रोजेक्टर का बटन, हाँ, एक एक बार दोनों को प्रेस कर देना है। हाँ, वो गोल बन करके जो लाइन रहता है वैसे पावर वाला, जेनो फॉर स्कूल, जीनियो फॉर स्कूल, जीनियो जीनियो फॉर स्कूल, ठीक है। ये जो जीनियो है ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम लोग जो कंटेंट आपको ऑफलाइन देते हैं या ऑनलाइन, जैसे बायजू वगैरह, जब ये ऑन हो जाएगा तो सबसे पहले आपको आइरिस वाला ये सॉफ्टवेयर ओपन होकर आएगा, खुद ही होएगा ना ये, हाँ, ये ऑटोमेटिक आएगा स्क्रीन पे, ठीक है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक वेट करिएगा, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो आपको सबसे पहली बार माउस से ऑटो कैलिब्रेशन करना होगा, अगर कैलिब्रेशन नहीं करेंगे तो ये स्क्रीन डिफाइन नहीं करेगा, फिर ये पेन यूज नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऑटो कैलिब्रेशन हम माउस से कर देंगे, जब ये कैलिब्रेशन हो रहा होगा इस दौरान हमें इसके बीच में आना जाना नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सरफेस जहाँ भी हम इसका प्रोजेक्शन दे रहे हैं वो पूरा एरिया जो है कि सरफेस प्लेन हो, कोई स्पॉट ना हो, कोई बीच में व्यवधान ना आए, अगर कुछ भी बैरियर आ जाएगा तो ये कैलिब्रेशन एबॉर्ट हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। ऑटो कैलिब्रेट पे क्लिक, सिंगल क्लिक किया, सिंगल क्लिक सर, सिंगल क्लिक, जैसा
हाँ कहीं भी आप फिक्स करा सकते हैं सर, आपको जहाँ लगे कि इस तो किसी एक क्लास रूम में फिक्स करा देना चाहिए तो आप उसको फिक्स करा सकते हैं। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो आप इसको कैलिब्रेशन रेडी है। अब आपका जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे पिन आपका काम करेगा। ठीक है, आपका पिन काम करेगा इसी तरीके से। इसको जब चालू हो जाएगा, पढ़ा लिया आपने, अब यहाँ से इसको बंद करेंगे। यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें वाईफाई कनेक्शन सब बता देंगे मैडम, सारी चीजें बस आप सुनते लीजिएगा। फिर लास्ट में हम आपकी क्वेरी लेंगे, कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछिएगा हमसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पावर वाला निशान है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप पावर वाले पे क्लिक करेंगे आपको शट डाउन का ऑप्शन आएगा, आप इसको शट डाउन कर देंगे। ठीक है, जैसे ही शट डाउन आप क्लिक करेंगे आपका सीपीयू बंद हो जाएगा। सीपीयू का मतलब ये सारी की सारी लाइट्स आपकी बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये सर्चिंग बीजीए क्या लिखा हुआ है, जो इनपुट उसको मिलता है वही वो सर्च कर रहा है। ठीक है, प्रोजेक्टर को सीपीयू के थ्रू इनपुट मिलता है, सीपीयू ऑन नहीं रहेगा तो ऐसे ही लिख के आएगा नॉट ऑन। जब हमारा सीपीयू बंद हो जाएगा तो इसके सारे लाइट्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्टर हमारा ऑन, प्रोजेक्टर को बंद करने के लिए हम उसको पावर को दो बार दबाएंगे, एक और दो। जैसे ही दो बार दबाएंगे आपका ये स्क्रीन हट जाएगा और ये लाइट ब्लिंक करके रेड हो जाएगी। ठीक है, जब रेड हो जाएगी तभी आपको पावर बंद करना है। ठीक है, अब ये जब रेड हो जाएगा कांस्टेंट तो आप पावर इसको बंद कर सकते हैं, पावर आप यहां से इसका निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको दूसरी डिवाइस यहां पे दे रहे हैं, अब आप लोग चालू करिए उसको। वो आपका जो बोर्ड आप लोग पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं वो इंटरेक्टिव डिजिटल फॉर्म में आपको दिया गया है बोर्ड, दूसरा आपको डिजिटल बुक्स दिया है। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये इंटेलिस्पेस का सॉफ्टवेयर है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। हाँ, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव बोर्ड मिल जाएगा। इंटेलिस्पेस यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे सिंगल। ठीक है, वहां पे डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, या यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे तब भी आ जाएगा। हाँ ठीक है, सिंपल कंप्यूटर। इसका जो टूल है, इस टूल को आप चाहे इस साइड से यूज करिए चाहे उस साइड से यूज करिए। ठीक है, दोनों साइड से, जिस साइड में आपको कम्फर्ट पड़े आप इस साइड में। हम नॉर्मल यहाँ पे यही एक दिक्कत है कि उधर से लिखना पड़ता है, इधर से उस तरफ से, क्योंकि इधर से बहुत ज्यादा एकदम शेडो आने लगता है पूरा। आप इधर से लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इस तरफ से लिखते हैं ना, उधर से नहीं लिखते, इधर से लिखते हैं। आप इधर से लिखते हैं ना? हाँ, ये अपने ही छुपने लगता है वो। अब जब बच्चे हटेंगे तब वहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखते हैं हम लोग, लिखने के बाद ही तो बच्चे लिखते हैं ना, खुद ही छुपने लगता है ना, पीछे की चीज से ही ना आदमी आगे लिखता जाता है बेस लेकर के। सही, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन होगा क्या कि ये कुछ इस पे नहीं लिखता है, ये लिखेगा तो इस डिवाइस के अंदर। ठीक है, ये देखिए आपको व्हाइट वैसे भी स्क्रीन, तो ये वहां पे कुछ नहीं लिखेगा, ये लिखता है इसके अंदर। ठीक है, वो तो है ही है। तो वहां पे लिख लिया, अब कुछ गलत हो गया तो हम उसको मिटा देंगे। अच्छा, वो स्मार्ट बोर्ड होता है क्या जिसमें हाथ से ही मिटर जाता है? वो बोर्ड भी होता है, वो पैनल, हाँ, वो पैनल होता है, पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, अरे वो इरेजर है बगल में, मत खोइए, ये वीडियो हम दे देंगे। ठीक है, आपको लिखने और मिटाने वाला
टूल जो दिया हुआ है इसमें ये ना हो, ये डस्टर की तरह काम करेगा। नाम भी लिख के आ रहा है, ठीक है। डस्टर की साइज को आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से साइज आप बड़ा कर आधे वाले तो हम लोग हाथ से मिटा रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की ये है कि नहीं पड़ेगा सबको। जब आप इसको यूज करेंगे, ठीक है, डस्टर को, तो जितना साइज इसका डस्टर का बढ़ाएंगे उसी साइज में पेन की साइज भी इंक्रीज कर जाएगी अपने आप। हाँ, जैसे आपने बताया दोबारा पेन लेके जैसे ही आप लिखना चालू करेंगे तो साइज मैकडॉनल्ड दिखाई पड़ने लगे। उसका बाय डिफॉल्ट आपको ये मैकडॉनल्ड ही लगा। क्लिक कर दीजिए, ये नॉर्मल साइज है, ये यहाँ पे इसका नॉर्मल साइज है, ठीक है। हेलो, ये सब तो कंप्यूटर में। हेलो, मुझे तो ये बोलिए, वो है वो तो पता ही है, वो तो वो आप इरेजर यूज करेंगे उसके साथ आप बाय डिफॉल्ट पेन की साइज यहाँ पे होती है, आप क्लिक करने से पेन की साइज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर हैं, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी कलर होंगे जी? और बस लाल पीला और किसी और कलर भी चाहिए था, आप डबल क्लिक कर दीजिए तब वैरायटी ऑफ कलर्स मिलेगा। कलर चेंज करना है वो आप चेंज कर लीजिए। कीप क्वेश्चनिंग, कीप क्वेश्चनिंग, जिसके जो दिमाग में है पूछते रहिए, वही फायदा है। आइए कोई लोग लिख के चेक कर लो कलर। आइए, कौन जा रहा है भाई? यार क्या करना है, चेक करना है, लिखना है, चेक कर लीजिए, लिख के कर लीजिए। देखा अपना, देखा इसी, यही प्रॉब्लम आता है इसके साथ, अपना हाथ दिखता है तो समझ दिमाग बंद हो जाता है, खुद ही दिमाग बंद हो जा रहा है कि मैं क्या लिखूं, उधर से लिखना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है इसकी। अब अच्छा लिख पाएगा, ये उस वाले में भी प्रॉब्लम थी, ऐसे सही चल पाता है। बचपन की याद एकदम, इसलिए तो मैं सब ऐसा बता रही हूँ, सबको याद है। यहाँ पे ब्लैंक वाले भी बैठे हैं, हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहे। वो क्यों दिखाई पड़ रहा है, वो सिन फॉर कुछ गड़बड़ कर दिया है, सिन फॉर वो दिखाई पड़ रहा है। वो मुझे पता है साइन कॉस है, लेकिन वो सब क्या है कुछ उसका आता पता नहीं है। मैं कह रही हूँ वो इंग्लिश का सिन है, कुछ गड़बड़ किया तो उसके लिए वो सीधी लाइन आ जाए, कैसे भी बनाएंगे। वो स्क्वायर सर्कल इधर से इस तरफ से ये डबल क्लिक, किसी भी कलर पे डबल क्लिक, किसी भी कलर पे डबल क्लिक, डबल क्लिक। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिल बकेट पूरा आ गया था, करेंगे इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही वो बोर्ड का कलर चेंज कर देगा, जो पेज का कलर है वो चेंज कर देगा। पहले उसको नहीं टच करना था, उन्होंने टच कर दिया था। हाँ, ठीक है। तो सिंपल पेन इरेजर, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपको इरेजर दिए हुए हैं, ठीक है। जो भी इरेजर आपको चाहिए उस इरेजर पे जाके आप, ठीक है, इरेज कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल इरेजर है, ये स्ट्रोक इरेजर है, जैसे टी को एक स्ट्रोक में अगर लिखा हुआ तो इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये नॉर्मल जितना भी पेज से एनोटेशन किए हैं वो सारा का सारा एक साथ में इरेज हो जाएगा, ठीक है। ये शेप्स के लिए, जैसे ये शेप जनरेट हुआ, ये सब ऑटोमेटिक जनरेट हुए, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ
सारे के सारे एक साथ इरेज हो जाएंगे। ये ऑल इरेजर है, ठीक है, पूरे के पूरे पेज पर एक साथ इरेज कर देगा, ठीक है। इसके बाद आपका आप पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही पेज का कलर चेंज करेंगे आपको इसमें तीन और टूल मिलेंगे, जिसमें पहला आपका है कि अगर कोई पिक्चर आपके इस सिस्टम पे है, ठीक है, आप उस पिक्चर को इस बोर्ड पे लाके बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए है, कोई भी आप ग्राफ चार्ट की तरह यूज कर सकते हैं, गणितीय कोई भी प्रक्रिया को आप इस पे यूज कर सकते हैं। और तीसरा आपका कर्सिव राइटिंग, वाओ सबसे अच्छा, ठीक है, आप इसमें कर्सिव राइटिंग यूज कर सकते हैं। ये आपका माई लाइब्रेरी वाला जो ऑप्शन है, इसमें ढेर सारे पिक्चर्स रखे हुए हैं, ठीक है, क्लास वाइज भी हैं, जनरल रिसोर्सेज हैं और प्राइमरी सेक्शन है, तीनों आपको यहाँ पे कुछ जनरल पिक्चर जो हम लोग क्लास में यूज करते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे क्लास नाइन्थ का चाहिए, क्लास नाइन्थ पे हमने क्लिक किया, इमेज है, सिर्फ इमेज है, ठीक है, सिर्फ हाँ आपको सिर्फ इमेज मिलेगा। पहले से जो इमेज इसमें पड़े हुए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस पे क्लिक करना है, ठीक है, डबल क्लिक, हाँ डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो इसमें है क्या, पहले से भी बहुत सी चीजें सेव हैं? हाँ ये सब पहले से इसमें पड़ी हुई है, ठीक है। जरा नाइंथ का कुछ दिखाइए, नाइंथ का फिजिक्स में कुछ दिखाइए, मोशन में कुछ दिखाइए, ये सब है सर, जो जिस पर जो कहिए वो फिल करें, ठीक है, यही सब है, कवर कर दिया ना जो है, यही है सर, हाँ ठीक है। ये तो मैं चला दिखा दूँगा ना, ड्रैग कर सकते हैं, आप उसको डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, ड्रैग करिए या उसको डबल क्लिक कर दीजिए तब भी वो आ जाएगा। अगर ये आप ज़ूम किए हैं तो जो इसका लिखा हुआ है वो ब्लर होता है, लेकिन ये इंग्लिश में है, वो इंग्लिश में है तो आप हिंदी में लिख दीजिए सर, पेन सेलेक्ट करिए, यहाँ से व्हाइट कलर सेलेक्ट करिए, ठीक है, इसको इरेज कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, आप सर ना एक बार इसमें सब चेंज करके सब लिख दीजिए, फिर इसको एक इमेज बना के आप दोबारा इसको इस लाइब्रेरी में सेव कर दीजिए, वो वापस जब भी आप उसको एक्सपेक्ट करेंगे वो हिंदी में ही आएगा आपको मिलेगा, ठीक है। क्या ब्लर हो रहा है, छोटा हो रहा है, पिक्चर है सर ना, छोटा करिए, वो है ब्लर, वो व्हाइट बोर्ड पे अच्छा आएगा, तो ये आपका लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा जो आपके पास है वो माई क्लाउड का ऑप्शन है, ये ऑनलाइन कंटेंट इसमें फिल्टर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है, जो भी आपको कंटेंट चाहिए आप सबसे पहले अपने इस सिस्टम में नेट कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हॉटस्पॉट ऑन करना है, ये गोला जो यहाँ पे दिख रहा है इसमें क्लिक करेंगे आपके फोन के हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेगा ये, ठीक है। तो कोई कनेक्ट करना चाहेगा, नहीं चाहेगा फोन क्या करेंगे सर, डेटा तो वैसे भी नुकसान हो जाएगा, बड़े दयालु प्रवृत्ति के नेता नहीं सर, बात के लिए नहीं शो कर रहा ना, अगर होता तो यहाँ पे शो करता ना, तो वही बात है ना, तो सबकी रेंज ही नहीं है, तो फिलहाल आप अपना लगाइए, इसके बाद हम लोग लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो ठीक है सर, हमारे यहाँ तक लगवा हर कमरे पे हो जाए, हर कमरे बाहर चला जाए, कैसे कर रहे हैं सर अपने मोबाइल से कनेक्ट, वाईफाई ऑन कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, आपको अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन करना है,
ठीक है, हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस का नाम शो करेगा, ठीक है, जैसे मोबाइल, हाँ ठीक है, आपके यहाँ डिवाइस का नाम शो करेगा, आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद जो भी पासवर्ड आपका है वो पासवर्ड आप टाइप कर देंगे, हमें अपने मोबाइल का पासवर्ड मिलेगा उसमें लिखा रहेगा ना, आप में आपका होगा ना, अरे हम अपने का ही पूछ रहे हैं भाई, हाँ ठीक है, पासवर्ड अपने आप में बड़ी चीज है ना भाई, हम कहाँ से लाएंगे, हमें पता होना चाहिए कोई सेटिंग, डबल क्लिक किया, हाँ क्लाउड ओपन हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, जो भी आपको ढूंढना है, हाँ 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 ठीक है, इंटरनेट की स्पीड जितनी अच्छी रहेगी उतना जल्दी वीडियो आपको ढूंढ के दे देगा, ठीक है, चाहे आपको वीडियो चाहिए या इमेज चाहिए, दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, टेस्ट नहीं मिलेगा, वो जो भी इमेज देगा या तो फिर वीडियो देगा, तो वीड अच्छा ला तो रहे ना सर, सर आज खाना नहीं खाने का लग रहा है, पिछला वाला नहीं बनाया था तभी तो इस बार बना रहे, फिर से बता रहे हैं, पिछली बार फोटो बस क्लिक की थी, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे हॉटस्पॉट ऑन करेंगे, यहाँ पे आपके फोन का नाम लिख के आएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा, अगर आप पहले से कनेक्टेड थे तो फिर नहीं पूछेगा, बता देगा कनेक्टेड लिखा हुआ है, अरे कनेक्टेड है भाई, नहीं हमारा हमेशा ऑन रहता था, हमको बहुत जरूरत नहीं पड़ती, हम देंगे नहीं किसी को, थोड़ा सा और करिएगा तो, अब आप लोग खिसा किए, ये पब्लिक सर्विस कर रहे हैं हम, हाँ सर बताइए 10 रुपया घंटा करवा रहे हैं, इसकी वैल्यू खराब, वीडियो चलाइए, वीडियो लाने के लिए और भी तो ऑप्शन होगा, कौन सा है, एक तो जियो का, आप ऑन करिए, सर मुझे दिखाना पड़ेगा, सर ऐसा मत करिए सर, ये है सर आपका, ये वाला, हाँ हाँ, जाइए जाइए आप खुद ही डालिए, कनेक्टेड एक्सप्रेस वे है, अब आएगा सर फ्लावर आपका, इमेज आ गई, तो आप तो सब कुछ नहीं रहते आप उसमें सच रहे थे, मैं बता रहा था सोच रहे थे मैंने वीडियो देखा चाहिए, वीडियो दिखा रहा सर, वीडियो दिखा रहा है सर, हम लोगों को डेटा पैक बहुत जरूरत ही नहीं होती, हम तो सर आगे आगे आ गया, मेरा 1.5 GB का रोज खर्च हो जाता है, सर 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 रन करिए, सर रन कीजिए, रन कीजिए ना, कोई सफर में तो यूज होता है, वही उपयोग है,
घरे पर बैठ के आ रहा है ना तो चल पे नहीं करे ठीक है। इस तरीके से जो भी कंटेंट्स आपको चाहिए ये यहाँ पे आपका फिल्टर ठीक मिलेगा। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे ढूंढते हैं या हम लोग जैसे गूगल पे ढूंढते हैं तो वहाँ पे और भी कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ आपका फिल्टर मिलेगा। ठीक है सर, इसमें एक और ऑप्शन है उससे नहीं आएगा वीडियो जो बाहर से वो मेन डिस्प्ले पे से लेते हैं। हाँ, वो आगे बताएंगे ना, वो वीडियोस तो है ही आपके पास, इसमें जो रिसोर्सेज है मैं उसको आपको बता रहा हूँ, ये रिसोर्स है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो सेव का हमने आपको बता दिया था कि कोई भी सेव आप ड्रॉ करेंगे इस पे, ठीक है, कोई भी सेव आप ड्रॉ करेंगे वो उसी में कन्वर्ट कर देगा आपको। ठीक है, जैसे हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, जैसे ही आपको सेव किया क्लिक करके ट्रायंगल बनाएंगे वो उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे टेक्स्ट रिकॉग्नाइजर है, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट आप लिखेंगे उसको वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये ऑटो सेव, ये टेक्स्ट, ठीक है, रिकॉग्नाइज करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये टूल्स हमने आपको यहाँ पे ये सारे बता दिए। ठीक है, आगे ये आपका ज्योमेट्रिक टूल्स है जिसमें आपको स्केल दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल आप स्केल को, ठीक है, यहाँ से इसकी साइज को आप वेरी कर सकते हैं, यहाँ पे इसका मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मिलीमीटर में रखना है तो मिलीमीटर, इंच में यूज करना है तो आपको इंच में, यहाँ से रोटेट कर देंगे जितने भी रोटेशन पे ये मूव होता है वो आपको डिग्री यहाँ पे शो करता है। ठीक है, हाँ, ये आप इस तरीके से इसको ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे प्रकार दिया हुआ है, इसको आप सर्किल बना सकते हैं या से इसका चाप आप वेरी कर सकते हैं। इसके चाप के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जितने एंगल पे ये मूव करता है, जितना इसका चाप होता है, वो सारी सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती हैं। ये यहाँ पे टूल्स हैं, ये दो टूल्स हम आपको आगे बताएंगे। इस पूरे पूरे बोर्ड को बंद करने के लिए आपको यहाँ पे पावर का ऑप्शन दिया हुआ, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछता है कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं, क्लिक करना चाहते हैं। ठीक है, अगर सेव करना चाहते हैं तो यस, ठीक है, और जैसे ही यस करेंगे ये पूछेगा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट सेव होगा, अगर आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो वो डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा। ठीक है, दोबारा जब नेक्स्ट डे आएंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है, फिर दोबारा हम अपना बोर्ड ओपन करेंगे। ठीक है, जब बोर्ड ओपन हो जाएगा तो जो कंटेंट हमने पढ़ाया था, ठीक है, वो यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे स्नान करने से इसको ओपन कर, ठीक है, अब आप इसको कंटिन्यू पढ़ा सकते, फिर आप कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ा सकते। ठीक है, यहाँ इसके बाद रीडू अंडू वाला दो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये पेज को डिलीट करने के लिए है। ठीक है, जैसे कोई पेज इस पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे तो पेज डिलीट हो जाएगा। एक नया पेज ऐड करने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आपको पैरेलल स्लाइड्स दिखते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पेज पे जाना है, ठीक है, तो आप उस पेज पे जाके बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है सर, ये आपका यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, जो भी स्क्रीन पे एक्टिविटी आप करेंगे वो सारी की सारी एक्टिविटी आपकी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, इसका पहले नाम देके, ठीक है, जो भी नाम आप देंगे, नाम देके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो भी चीजें आप इस पे
ठीक है, ये इतनी चीज हमने किया, ये सब के सब सेव हो गया। यहाँ पे क्लिक कर देंगे ये स्टॉप हो जाएगा, रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगा, और जैसे यस करेंगे जहां पे ये सेव है आपको वहां पे ले जाएगा। ठीक है, वहां राइट क्लिक करके आप, ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ इसको विंडो मीडिया प्लेयर चलाएंगे, विंडो मीडिया प्लेयर। अगर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो आप एक्सटर्नल माइक यूज करके आप अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब फिजिक्स वाला खोलिएगा इसके बाद चौथ का इसमें क्या मजे दिया है, वो जो है वो सब सारे के सारे जो है कि उसमें पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस बोर्ड से बाहर जाने के लिए। ठीक है, जब तक इस बोर्ड से बाहर नहीं जाएंगे पीछे के कोई आइकन आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे बाहर जाने के लिए स्विच की तरह काम करता है, इस पर क्लिक करना है, आप बोर्ड से बाहर चले जाएंगे। एक बार इस पर क्लिक करेंगे आप वापस बोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप बोर्ड से बाहर चले जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे आप वापस बोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपको दिए हैं, ये मल्टीपल पेज एक साथ सेव करने के लिए दिया हुआ है, और ये आपका सिंगल पेज के लिए है। जैसे ये वाला पेज खुला हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ही वाला पेज आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, और इस पे क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी 10 पेज हैं, 10 पेज एक साथ आपके सेव हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से क्लोज करके बंद करना है, यस कर देंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है कि आपका डिजिटल बोर्ड का कॉन्सेप्ट था। इसमें दो चीजें आपको और दी गई हैं, एक आपका मल्टीमीडिया लर्निंग यूनिट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे जीनियो फॉर स्कूल का, ठीक है, यहाँ 6 से 12 तक का स्टैंडर्ड है सर आपके यहाँ। ठीक है, तो 6 से 12 तक की कोई भी क्लास आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास आपको चेंज करना है, दूसरे क्लास किताबों पे जाइए। ठीक है, सब्जेक्ट जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं, फिजिक्स पे चले गए, यहाँ पे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, क्लिक किया हमने पीटीए नहीं बोला इंट्रोडक्शन It is very difficult to define what the electric charge is. The word electric is derived from the Greek word electron, meaning. इस वीडियो में कोई भी चीज आप समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना बोर्ड ओपन करके रखना है। ठीक है, जो भी बोर्ड आप यूज कर रहे थे उस बोर्ड को ओपन करेंगे, उस बोर्ड को यहाँ पे आप मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, मिनिमाइज करने के बाद इसको यहाँ पे क्लिक करके एक साइड कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये कंटेंट चल रहा था, ठीक है, वीडियो हमने यहाँ पे प्ले कर दिया। The existence of charges were known when charged particles were produced. इसको पॉज कर दिया, ठीक है? पॉज करने के बाद आप यहाँ से पेन लेके किसी भी पॉइंट पे आप कुछ समझा सकते हैं, ठीक है? कुछ भी राइट करके आप बच्चों को समझा सकते हैं। दोबारा आपको वीडियो प्ले करना है तो आपको माउस मोड में जाना होगा,
यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितना भी चीजें आपने समझाई है वो सारी की सारी चीजें रिमूव हो जाएगी और यहाँ से फिर आप नेक्स्ट बाय रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ सूटेबल मटेरियल। यहाँ पे इसके अंदर और भी जो कंटेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। किसी पे आप क्लिक कर देंगे वो दूसरा वीडियो से रिलेटेड आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन द प्रीवियस सेक्शन वी सॉ आवर बॉडी इज चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन, लेट अस नाउ, ठीक है। यहाँ पे इसका आपको असेसमेंट और वर्कशीट मिल जाएगा। असेसमेंट में आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन एंड आंसर देम, क्लिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन एंड क्लिक द डन बटन। आवाज थोड़ा कम करिए, आवाज यहां से आप कम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आप करवा सकते हैं, ठीक है। ये असेसमेंट है आपका, यहाँ पे वर्कशीट दिया हुआ है सबके बच्चों से, आप हिंदी में 10 तक है, इसके बाद 11 12 तक जो कंटेंट है वो सब रिलीज कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो इनबिल्ट ही है जो है उसमें। कैसे 10th तक वाला चेंज होगा वो दिखा दीजिए। वहाँ पे दो चीजें थी जिसको हम वहाँ पे आपको नहीं बता पाए थे, जिसमें एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन था, ठीक है। कोई भी चीज जैसे आपको ये वाला पॉइंट स्क्रीनशॉट करके बच्चों को जो है बोर्ड पे समझाना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले जाकर बच्चों को आप समझा सकते हैं। कैमरा का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इतना पोर्शन आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बोर्ड पे ले जाएगा, डेरिवेशन करके या कुछ भी करके आप बच्चों को यहाँ पे समझा सकते हैं। दोबारा वापस यहाँ चले जाएंगे, आप वीडियो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पॉटलाइट का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जैसे जब समझाते हैं बच्चों को तो अलग अलग बच्चों का जो देखने का नजरिया वो अलग अलग होता है। कोई बच्चा वहाँ देख रहा होता है तो कोई यहाँ देख रहा है, कोई यहाँ देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे बच्चे का जो है कि दिमाग कंसंट्रेट हो, उसके लिए आपको यहाँ पे एक स्पॉटलाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को वो इंडिकेट करेगा, ठीक है। इसको आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्रॉस करते हैं, इसी में दूसरा आपको कर्टेन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। किसी पर्टिकुलर पार्ट को आपने समझाया, उसके कुछ उधर आपने जो है दिखाया, ठीक है। आप इसको इस तरीके से ढक सकते हैं और ट्रांसपेरेंट करके उसको आप दिखा सकते हैं, ये चारों साइड से हो सकता है। वीडियो आपने पढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। आप इसको क्लोज कर देंगे, दूसरा कोई सेक्शन लेना है उसके अंदर कोई चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका इंग्लिश का कंटेंट है जिसमें आपको पता है हमारे हिंदी में। इसके बाद इसमें कुछ साइंस के वीडियोस दिए हुए हैं जो प्रैक्टिकल आप लोग बच्चों को बताते होंगे, ठीक है, जिसमें एसिड बेस ये सब प्रैक्टिकल्स में होते हैं तो वो आप करवाते हो इंग्लिश में है, आप बच्चों को दिखा सकते हैं, आप समझा सकते हैं। Can you guess what a bar of soap and egg whites have in common? Both of them are slippery to touch. Besides, they are more basic. So what is a base? Scientifically, bases are chemical substances which release OH negative ions when dissolved in water. ठीक है, इसमें ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, जैसा अभी वो इलेक्ट्रोलाइट्स वाला जो चैप्टर चल रहा था जिसमें करंट का फ्लो वगैरह हम लोग दिखाते हैं, तो यहाँ पे किसी भी टॉपिक्स को लेके आप उसका सर्किट वगैरह है, ये इसका इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कैसे करंट वहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है।
आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप दिखा सकते हैं, करा सकते हैं। ये टोटल हमारा इंग्लिश का कंटेंट है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम का है यहाँ पे, तो सेम है दोनों का पासवर्ड सेम। हाँ 11th में खुलता, तब तो सेम पुराना है, फिर सिलेबस फिर पुराना है ये। जहाँ से भी पढ़ना है उस पे वहाँ क्लिक करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ऐसे ये रीड फ्रॉम हियर प्ले कर देंगे। ये नहीं है ना सिलेबस में? नहीं, जो है सिलेबस में वो ये eight वो पूरा स्पीड बढ़ा सकते हैं क्या इसकी? इसलिए मैंने लिखा है कि इसकी जहां जिस लेबल पे लगे कि स्पीड रखना है वो आप लेबल उस पर चेंज कर सकते हैं। कैसे? यहां रीडिंग स्पीड, ठीक जीरो। अच्छा अच्छा, बच्चों के हिसाब से है ना, अब स्पीड मारेगा जो इस पे। नहीं नहीं, तेज माइनस में गया है राइटर। ये बच्चे साथ साथ में बोल सकते हैं इसके। जो हम लोग में थोड़ा आप लोग यूज करते हैं क्लास में LSRW वाला, पहले इसको चला देंगे, बच्चे सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो है कि इसको साथ में बच्चों को बुलवाते हैं, ठीक है, साइलेंट रीडिंग कराते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे मैग्नीफायर भी है, अगर कोई वर्ड प्ले हो रहा है वो इसमें दिखेगा, बच्चे उस वर्ड को भी
देख सकते हैं ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेट भी करेगा, जैसे कोई वर्ड आपने लिया ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आपने लिया, यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे तो ये ट्रांसलेट बताएगा कि उसका मीनिंग क्या है। इससे रिलेटेड आपको पिक्चोरियल फॉर्म भी आपको दिखाएगा ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन भी करके बताएगा कि ये क्या लिखा हुआ। जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट ठीक है, जितनी बार कहना जर्नलिस्ट। ये ए प्लस माइनस क्या था उसको बड़ा छोटा करने के लिए, जैसे ये है ना, अब ये क्या है ना कि जैसे बच्चों को अगर नहीं दिख रहा छोटा दिख रहा था, इसको प्लस करेंगे तो अच्छा अच्छा ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे इंग्लिश इसकी डिक्शनरी में है ठीक है, इसके बारे में आपको बताएगा कि क्या है ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन देना। बाकी आपको यहाँ पे स्पेलिंग के माध्यम से भी यात्री गण कृपया ध्यान ये पूरा का पूरा अलग कॉन्सेप्ट था ठीक है। बियॉन्ड इसके कुछ किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता है। दूसरा अगर इसके लिए किसी से सोचा सर की बात वो आ रहा था नीचे इसके साइड में एक आइकन आ रहा था यहाँ पे किसके साइड में जब हम वो खोल रहे थे ये इस तरीके की इसके आइकन जैसे ये है ये वही इंटरनेट के लिए जो सर कह रहे हैं कि यहाँ इंटरनेट पे जाके आप यहाँ इंटरनेट पे डायरेक्ट इस पे कुछ ढूंढ के पढ़ा सकते हैं। उस पे इंग्लिश यूट्यूब पे सर आप अपना नेट कनेक्ट करिए बिना नेट से नहीं चलेगा सर, उसमें पासवर्ड नहीं मालूम है हॉट स्पॉट का, आपको लिख लीजिए ये बताइए ना आया तो जी आई से शक्ति नगर ये आ गया डिजिटल फाइबर ने ये डिजिटल ये यहाँ का है कहाँ कनेक्टेड है कहाँ कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड सिक्योरिटी की किसी को पता है छोड़िए मरा मरा है हाँ सर ये है सर का हाँ डीएल में एट फाइव दिया है आपका हाँ बिना वन टू थ्री वो सिंपल सा था सबसे पहले आपको यहाँ पे नेट कनेक्ट करना है, फिर गूगल क्रोम पे जाना है ठीक है। गूगल क्रोम से जितनी भी फैसिलिटीज है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसमें आप मैच चेक कर सकते हैं, प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, मीट से आप ऑनलाइन ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। यूट्यूब पे आप जाएंगे एबीपी लाइव लगाइए टर्की का हुकम की मुशर्रफ गए जी एक्टिव 1999 एक 7.4 स्केल था
जो भी है फीचर वो आप ऑन कर लेंगे, उसमें आपको केयान लिख के आएगा, उस पर क्लिक करेंगे पेयरिंग हो जाएगा। जब पेयर हो जाएगा तो आपका स्क्रीन इस पे दिखेगा, वहाँ आपका डेटा खर्च नहीं होगा, आप जो भी ऑनलाइन कंटेंट चलाएंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। जो फोन में खर्च होगा वही खर्च होगा ना, यहाँ पे नहीं खर्च होगा। मैक्सिमम जो डेटा यहाँ पे खर्च होता है स्क्रीन शेयर कर रहे हो आप, जैसे ही नेट से कनेक्ट ये तो रेजुलेशन के हिसाब से बिट लेता है। यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, कनेक्ट पे करना है, करिए करके कुछ चेक कर लीजिए, होगा नहीं तो फोन करेंगे लोगों को। स्क्रीन सेट करना है हाँ, फिर वाईफाई ऑन कर लीजिए अपने फोन का, वाईफाई ऑन करके छोड़ दीजिए उसको, अपना नेट और वाईफाई। हाँ अगर नेट चलाना है, जैसे आपके ऑफलाइन कोई कंटेंट है मोबाइल में तो आप ऑफलाइन दिखा सकते हैं। वाईफाई ऑन करके आप में कौन सा फीचर है? अच्छा अच्छा, डाउनलोड डाउनलोड करके ऑफलाइन भी दिखा सकते हैं नेट भी नहीं, घर से डाउनलोड करें फिर लाके यहाँ दिखाए। तो वो ना वो जो इंटरप्टेड आता है वैसा नहीं आएगा, अच्छे से एकदम चलेगा, कट कट के आता है ना, टूट टूट के रुक रुक के नहीं।